हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहेज जोशी और एक बार फिर हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो के साथ, जहां हम बात करने वाले हैं बॉडी की हीटिंग के बारे में, यानी शरीर की गर्मी के बारे में, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, शरीर से एक आग सी निकलती है, बॉडी पर रैशेज होने लगते हैं, इरिटेशन, थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एलर्जीज भी बढ़ जाती हैं। अगर आपको भी ये सभी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप अपनी बॉडी की गर्मी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले नए व्यूवर्स, हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी हेल्प करने का ये सुनहरा मौका मुझे यूं ही मिलता रहे। दोस्तों, बॉडी में हीट यानी गर्मी बढ़ने का रीजन होता है पित्ता दोष। जब पित्त दोष इम्बैलेंस होता है या प्रॉपर वर्क नहीं करता, तब शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिस वजह से आपको हर वक्त एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन सी महसूस होती है और पेशेंस तो जैसे खत्म ही हो जाता है। इसके बाद बॉडी की इंक्रीज्ड हीट आपकी स्किन को इफेक्ट करती है और फिर चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, पूरी बॉडी पर रैशेस पड़ जाते हैं, ईचिंग बढ़ जाती है, रेडनेस सी होने लगती है और छोटी छोटी चीजों से एलर्जी भी शुरू हो जाती है। अब कहने को तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, इसलिए ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है, क्योंकि शरीर की गर्मी आउटर बॉडी के बाद सीधे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हिट करती है, जिसमें है हमारा लीवर। जी हाँ दोस्तों, ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बॉडी हीट को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये आपके लीवर को भी इफेक्ट करती है, जिस वजह से लीवर से कनेक्टेड कई ऑर्गन्स पर असर पड़ता है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जो इम्बैलेंस हो जाता है और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करने के लिए मैं जिन 5 आसान तरीकों की बात करने वाला हूं, वो बहुत ही इफेक्टिव, प्रूवन और किफायती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नुस्खे से, जो है कूल एंड हाइड्रेटेड फूड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपनी बॉडी में हीट महसूस होती है, शरीर में एक आग सी निकलती है या ऊपर बताई प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं, आप सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में कूलिंग और हाइड्रेटेड फूड्स को ऐड करने की जरूरत है, जो बॉडी में जाकर उसे अंदर से नेचुरली ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। इसके लिए आप नारियल पानी को पी सकते हैं, जो नेचुरली बहुत ठंडा और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक होता है, जिसे दिन में 1 से 2 बार पिया जाए तो बॉडी की बढ़ी हुई गर्मी को आसानी से काबू में किया जा सकता है, क्योंकि ये पित्त दोष को बैलेंस रखने में हेल्पफुल है और इंस्टेंटली बॉडी को कूल करती है। इसके अलावा खीरा, कुकुम्बर भी आप खा सकते हैं, ये भी कूलिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है, और गर्मियों में मिलने वाला वाटरमेलन, तरबूज भी शरीर की गर्मी को खत्म करने का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि डायरेक्ट पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे बॉडी में हीट कंट्रोल में रहती है। आखिर में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं तो दूध और छाछ अपनी डाइट में शामिल जरूर कीजिए। अगर आप इनमें से एक एक चीज भी रेगुलर बेस पर कंज्यूम करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि शरीर एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, गर्मी कम हो रही है और हीट की वजह से होने वाली सभी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कर कम होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज का मतलब है हर्बल, जड़ी बूटियां, जो नेचुरल बॉडी को ठंडा रखने के लिए प्रूवन है। ये बेसिकली बॉडी में इम्बैलेंस्ड पित्त दोष को बैलेंस करती हैं, ताकि शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। हर्बल रेमेडीज में भी शतावरी, अगर आप सुबह शाम 5-5 ग्राम रोजाना लेते हैं तो बेनिफिट कई गुना ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली महिलाएं, वुमेन्स को, क्योंकि शतावरी पित्त दोष को बैलेंस करने के साथ साथ हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखता है। इसे या तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर टैबलेट्स आती हैं, उन्हें भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी बॉडी हीट को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रेमेडी है, जिसे आप कई तरह से ले सकते हैं। जैसे आंवला के सीजन है तो 2 से 3 आंवला लीजिए, उनकी गुठली निकालकर छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए और फिर 1 गिलास पानी में मिलाकर
मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर पी लीजिए। टेस्ट के लिए चाहे तो आप इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आंवले का सीजन नहीं है तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके लिए रोज सुबह शाम 5-5 ग्राम आंवले का पाउडर 1 गिलास नॉर्मल पानी के साथ पी लीजिए और रेगुलर इस रेमेडी को यूज कीजिए ताकि आपका शरीर नेचुरली कूल, काम और फिट रहे। अगली जड़ी बूटी है दोस्तों फेनल सीड्स यानी सौंफ, जो नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज से भरी हुई होती है और बॉडी को नेचुरली ठंडा करने के लिए जानी जाती है। इसे यूज करने के लिए आपको रात के समय 1 चम्मच सौंफ को पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह सौंफ को निकालकर यही पानी पी जाना है, या फिर आप चाहें तो इसे पानी के साथ उबालकर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसी तरह कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के बीज भी बॉडी को नेचुरली हीट से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें यूज करने के लिए भी आपको रात को 1 चम्मच धनिया के बीज भिगोकर रखने हैं और फिर सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पी लेना है, या फिर सौंफ की तरह इन्हें भी पानी में बॉईल कर काढ़े की तरह पिया जा सकता है। मेरी सलाह माने तो बॉडी को इंटरनली ठंडा करने के लिए आज ही से अपनी दिन की शुरुआत सौंफ या फिर धनिया के बीजों से कीजिए और रोज सुबह सुबह 1 गिलास पानी खाली पेट सौंफ या फिर धनिया के बीजों का पीजिए। ये आपकी बॉडी को पूरा दिन ना सिर्फ ठंडा रखेंगी बल्कि पित्त दोष को भी बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगी। बाकी आप शतावरी और आंवला भी कंज्यूम ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे नुस्खे के बारे में, यानी अवॉइड हीट एग्रावेटिंग फूड के बारे में। दरअसल दोस्तों बॉडी में जो पित्त दोष इम्बैलेंस होता है उसका काफी हद तक कारण प्रोसेस्ड और स्पाइसी फूड्स होते हैं, जिन्हें अगर डेली बेसिस पर कंज्यूम किया जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप हीट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको हीट एग्रावेटिंग खाने से जितना हो सके उतना दूर रहने की जरूरत है, जैसे ज्यादा स्पाइसी खाना जो आजकल लोगों को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन आपको इसे अवॉइड करना है। ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, कोशिश कीजिए कि हल्का खाना खाएं और प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके उतना दूर रहें, जैसे ज्यादा नमक वाले स्नैक्स, ब्रेड पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज, प्रोसेस्ड चिप्स और भी बहुत कुछ, क्योंकि ये सभी फूड्स बॉडी में जाते ही पित्त दोष को इम्बैलेंस करते हैं और फिर शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से होने वाले इश्यूज भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के खाने से आपको दूरी बनाकर रखनी है। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट रेमेडी है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। दोस्तों आप चाहे कितनी ही कूलिंग डाइट ले लें या कुछ और ट्राई कर लें, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जो बॉडी में हीट जनरेट करता ही करता है तो सबसे पहले आपने इस लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है, और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कूलिंग योगा ट्राई कर सकते हैं, जैसे शीतलय प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों ही ऐसी जादुई टेक्निक्स हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनली कूल रखती हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन आप इसे एक बार ट्राई कर देखिए। मैं दावे से कह सकता हूँ रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शीतलय और शीतकारी प्राणायाम को आपने कम से कम 7 से 10 बार रिपीट करना है ताकि बेटर रिजल्ट्स मिले, और रेगुलर बेसिस पर इस प्राणायाम को करना है। इसके अलावा आपको सूरज की रोशनी में डायरेक्ट नहीं रहना है। अगर आप सुबह सुबह या दिन में कभी भी रहते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा देर तक ना रहें, जितना जल्दी हो सके शेडेड एरिया से खुद को कवर कर लें, और ज़्यादा देर तक किसी गर्म जगह पर भी नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और फिर वही हीटिंग प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। इसके साथ ही आप डेली एक्टिविटी में से एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वो है कूलिंग शावर लेना, यानी ठंडे पानी से नहाना, स्नान करना। सुबह सुबह अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो दैट्स बेटर, लेकिन कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी बॉडी इंटरनली कूल रहती है बल्कि आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी और आप सुबह सुबह काफी फ्रेश फील करेंगे। साथ ही आपने ये भी नोटिस करना है कि आपके रूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, यानी खुला खुला होना चाहिए ताकि ताज़ा हवा कमरे में आती जाती रहे और बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। पांचवा और आखिरी
आसान तरीका है हाइड्रेशन एंड कूलिंग मसाज। दोस्तों जब हमें हेडेक सरदर्द होता है तो कैसे हम ऑयल मसाज से इसे दूर कर देते हैं, सेम यही नुस्खा आपको बॉडी की हीट में भी आजमाना है और कोकोनट ऑयल, देसी घी या फिर सैंडल ऑयल से आपको बॉडी की मसाज करनी है, क्योंकि ये सभी तेल नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज से भरे हुए होते हैं और बॉडी की हीट को अब्सॉर्ब कर उसे बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, जिस वजह से बॉडी ना सिर्फ रिलैक्स और हल्की फील होती है बल्कि काफी ठंडी भी लगती है और रैशेस, रेडनेस, खुजली और दूसरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मसाज को अगर आप ट्राई करते हैं तो रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए इसे ट्राई जरूर करें। इसके अलावा आपने दिन में पानी प्रॉपर पीना है, दिन का 8 गिलास पानी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। अगर 8 गिलास नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 बॉटल पानी दिन में पीना ही पीना है और इससे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें 2 इलायची मिलाकर और पानी को उबाल लीजिए। इसके बाद पानी को छान लीजिए और बॉटल में भरकर दिन में थोड़ा थोड़ा पीते रहिए ताकि इसका इफेक्ट ज्यादा और बेहतर हो। तो दोस्तों ये तो हुए 5 आसान तरीके या घरेलू नुस्खे जो आपकी बॉडी की बढ़ी हुई हीट को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप इन तरीकों के अलावा कोई इलाज, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो होम्योपैथी में बेशक बॉडी की हीट को रिमूव करने के लिए, बॉडी की हीट से आए कॉम्प्लिकेशंस के लिए कई उपाय हैं और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, इसलिए आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मेरी मानो तो अगर आप इन नुस्खों पर काम करते हैं और इन्हें आजमाते हैं तो कुछ ही दिनों में फर्क खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। इसलिए इन नुस्खों को ट्राई कीजिए और कोई सवाल या क्यूरी है तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉल या मैसेज कर अपने पेड अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन मेरी वीडियोस यूं ही देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।